दोस्तों ये देखो, दोनों छोटे भाई हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, और ये भाई साहब इस कार का हाल डूब रही है। ये भी ये देखो दोस्तों हम भी घुस गए हैं, पता नहीं यहाँ से निकलना साइड से। शुक्र है कि सूखा मिल गया, निकल गया। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे, आई होप आप सब सही होंगे। सो दोस्तों आज फिर बारिश का मौसम, बारिश क्या है कि हम दिल्ली को डुबा के ही जाएंगे। दोस्तों दिल्ली डूबे या ना डूबे पता नहीं, अब चलते हैं, अब हम जा रहे हैं कहीं, तो चलते हैं बाहर निकलते हैं, मौसम देखते हैं कैसे, मौसम बढ़िया अब निकलते हैं, कहीं ना कहीं निकलते हैं, निकलेंगे मतलब निकलना है, चलो दोस्तों चलते हैं। सो गाइस हम आए हुए थे बाहर, लेकिन मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। आगे चलने वाला चांदनी चौक साइड पे आए भाई साहब, यमुना का पानी फिर से बाहर आ चुका है। पहले थोड़ा पानी रुक गया था, फिर से बाहर आ गया। देखो दोस्तों क्या हाल है, मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। देखो दोस्तों यमुना का पानी, देख रहे हो हालात, वो देखो कारों का जमावड़ा फंस गया बीच में। अब दोस्तों वापस जा रहे हैं सारे, देखो दोस्तों लाइव टेलीकास्ट, बिल्कुल सारा का सारा रास्ता बंद हो चुका है। ये देखो दोस्तों ये सब पानी के बीचों बीच में से निकल के जा रहे हैं। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो गाइस चलते हैं यहाँ से बीचों बीच में से लाइव जा रहे हैं अब हम यमुना के बीचों बीच में से, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो लाइव टेलीकास्ट पे आप लोग दोस्तों, बिल्कुल सामने से गाड़ी आ रही है और देखो हमने भी घुसा दी है लाइव टेलीकास्ट। देखो दोस्तों ये देखो जरा इस कार का हाल डूब रही है। ये भी ये देखो दोस्तों बैठा ले, गाइस बहुत बुरा हाल है इनका तो। अरे देखो ये बेचारे सारे आराम से भाई पानी खींचता हूँ मज्जा। ये देखो दोस्तों लाइव से चल रहा है, ये देखो पानी भरा पड़ा है बिल्कुल, ये देखो फुल पानी। देखो दोस्तों हालात, ये देखो जरा ये देखो बिल्कुल डूबा पड़ा है, बिल्कुल राजघाट प्योर डूबा पड़ा है दोस्तों यमुना के पानी में। ये देखो दोस्तों क्या हाल है राजघाट का। अब पता नहीं ये पानी कब तक जाएगा, कब तक निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं पता। और ये देखो किस तरीके से कितना पानी पाक सब डूबा पड़ा है दोस्तों। देखो जरा सब डूबा पड़ा है, सबका सब बुरा हाल है दोस्तों। देखो दोस्तों हम भी घुस गए हैं, पता नहीं यहाँ से निकलना साइड से। शुक्र है कि सूखा मिल गया, निकल गया, वरना मुझे लग नहीं रहा था कि मैं निकल पाऊंगा। अगर आगे बहुत ज्यादा पानी मिला तो दोस्तों हमें यू टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब है। आगे पानी खूब भरा हुआ है। और भाई साहब ये देखो जरा, ये देखो दोस्तों सब डूबा पड़ा है, बिल्कुल डूब गया, बिल्कुल लाइव डूब चुका है। हालात देखो दोस्तों, पानी खाली फिल्मों में देखा करते थे ऐसा, लेकिन लाइव टेलीकास्ट में दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके से पानी। हमारी दिल्ली डूब गई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि दिल्ली डूब जाए। आज दिल्ली डूब गई, देखो जरा यहाँ लोग लुप्त उठा रहे हैं, फुल मजे ले रहे हैं दोस्तों। देखो ये देखो लाइव टेलीकास्ट, ये देखो जरा दोस्तों हाल देख रहे हो कितना खराब है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। मैं वहां से अंदर से पानी से बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आया हूँ। कई जगह ऐसी थी जो स्कूटर मेरा आधे से ज्यादा डूब चुका था, लेकिन दोस्तों फिर भी हम निकल के आ गए। हाल यहाँ बहुत बुरा है, सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से राजघाट की साइड से अभी बिल्कुल भी मत आओ, जो आएगा उसका हाल खराब ही होगा, क्योंकि पानी बहुत बुरी तरीके से यहाँ भरा हुआ है और हाल यहाँ पे खराब है। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितना मजा कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों भाई लोग देख रहे हो यहाँ ये मजे कर रहे हैं, लेकिन बाकी में ट्रैफिक के लिए हाल बहुत खराब है। ये लोग इनको चैनल बताते हैं दोस्तों, इनको चैनल बताते हैं, लेकिन उससे पहले यही है कि मेरी पर्सनल अपील है, तो दोस्तों कृपया करके यहाँ आप मत आओ, फिलहाल बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि यहाँ हाल खराब है। ठीक है दोस्तों ये देखो दोनों छोटे भाई हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, और ये भाई साहब पूछ रहे थे कौन कौन हो सर आप, कैसे कैसे चैनल हैं। और दोस्तों ये बेचारे यहाँ फुल यमुना का फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों ये यहाँ पे। सो
सो दोस्तों फाइनली अब हम घर आ गए हैं। सही बताऊं बहुत थक गया, लेकिन भाई साहब स्कूटर घुसा दिया था मैंने डायरेक्ट पानी के अंदर। एक्चुअली मैं आप लोगों को पूरा दिखाना चाहता था, लेकिन फिर भी पानी लेवल काफी नीचे जा चुका, क्योंकि जो ट्रैक्टर वगैरह उनका ड्रेनेज सिस्टम था उससे अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये कि उसका पानी उठा के पार्क की साइड में फेंका जा रहा है और कुछ कुछ लेवल धीरे धीरे डाउन भी जा रहा है। सो दोस्तों पहले से तो बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मैं जिस साइड से पानी बहुत कम था, लेकिन जो इस साइड वाली रूट थी वो पूरी डूबी पड़ी थी। सो दोस्तों आपको मैंने वीडियो में दिखाई दे कितना बुरा हाल है। तो दोस्तों अगर जाना है ना तो अभी कृपया करके मत जाओ, कुछ समय रुक जाओ, फायदे में रहोगे वरना परेशान हो गए, बहुत परेशान होने वाले दोस्तों, क्योंकि आगे से बैरियर लगा रखे हैं और स्कूटर बाइक तो हम टपा के निकल जा सकते हैं, लेकिन कार और वगैरह वो रोंग साइड से रहे, वो यूटर मार के फिर वापस आते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम गए जहाँ मस्जिद, जहाँ मेरे को सामान लेना था सामान को लेने के बाद। तो दोस्तों घर आ गए, अब आराम से कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर निकलेंगे शाम को घर से बाहर, ठीक है दोस्तों। अभी तो फिलहाल बहुत थक गए हैं, कुछ खाते पीते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइस अभी हम बाहर आए हुए थे, बाहर आने के बाद दोस्तों कुछ सामान सामान खरीदने हैं मार्केट में, पर मार्केट से पहले एक कांड हो गया है। अब एक बंदा आएगा वो मुझे पिकअप करेगा, तो दोस्तों अभी हम रोड पे खड़े हैं, ये बड़ी मुसीबत होगी। रात के 12 बज रहे, मेरे साथ कोई ना कोई हैपनिंग होती रहती है, लगता है कुछ ना कुछ लिखवा के ही आया हूँ मैं। आ गया मेरा दोस्त, आ गया। सो दोस्तों अब हम घर आ गए, घर कैसे आए हैं भाई ये मत पूछो, अब हम घर कैसे हैं, घर हम आए हैं भाई साहब, मेरा दोस्त मुझे लेके आया। एक्चुअली मैं अपने स्कूटर से गया था, कुछ इशू हो गया, ना कि स्कूटर में इशू नहीं हुआ मेरे भाई, कोई वहां पे इशू हो गया था, कोई दोस्त ले गया, तो मैंने अपने किसी और दोस्त को बुलाया, वो मुझे ले गया, वो मेरा ले गया, मैं उसको ले आया। तो दोस्तों ये चलता रहता है दोस्तों के साथ में, तो इस गोब्लिन को देखो। तो दोस्तों इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब ठोक देना दोस्तों, जो जो ठोक सके, जो जो ठोक सके वो सब कर देना। तो दोस्तों अब चलते हैं, मुझे गुस्से से बोल रहे हैं, ठीक है यार चलते हैं, अच्छा व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलो व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट दोस्तों। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।